येलो साइड में पिंक पर्पल एंड डार्क येलो. ठीक है, दूसरा कार्ड दे रही हूँ, उस पर क्या बना हुआ है? मैम बटरफ्लाइज. कितनी? फाइव. ओके, अपोजिट साइड में क्या लिखा हुआ है? फाइव लिखा हुआ है. विच कलर? ब्लैक. ठीक है, लायन बना हुआ है. किस कलर में? येलो एंड ब्राउन. ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इस पे? स्मॉल लेटर्स में. विच कलर? एल है रेड और बाकी ब्लैक. ओके, ऑपोजिट में क्या है? कैपिटल एल और स्मॉल एल. वेरी गुड, क्या बना हुआ है? हाँ, एक गर्ल है और उसने एक ब्लैक कलर का क्लोथ पकड़ रखा है और उसमें बोन्स बनी हुई है, रिब्स एंड नीचे और लोअर पार्ट. कार्ड पे लिखा हुआ क्या है? एक्स रे. किस कलर में? एक्स है रेड कलर में और बीच में लाइन है और रे है ब्लैक कलर. ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड में स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स. ओके, वन मोर कार्ड. मैम पॉइंट एंड नेम द पिक्चर दैट बिगिन विथ द सेम साउंड. गुड, नीचे कुछ बना हुआ है, क्या बना हुआ है? मैम एक, हाँ एक बैकपैक, हाँ और एक. ओके, ऑपोजिट साइड में नीचे जो बना हुआ है ठीक है. ओके, और हम हाथ का एक्स. वेरी गुड, अब मैं आपको ना एक बुक दे रही हूँ, ठीक है, उसमें है ना बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराए डैश और ईमानदारी से कराए. गुड, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है. ओके, एक सेकंड आप इसको पास कर दो. इधर नहीं, इधर लीजिए आप एक बार. हमारे साथ लिपिबा की मम्मी भी हैं जो कि डॉक्टर लता सुरेश है इनका नाम. ये दिल्ली से हर संडे हमारे यहाँ क्लास लेने आते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि मैम कैसा फील हो रहा है? आज केवल तीन क्लास हुई है, पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या आपके व्यूज हैं और कैसा आप फील कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा बताएं. एक्चुअली DMIT के बारे में मैंने पहले सुन रखा था और मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर में ऐसी संस्था है जो DMIT कोर्सेज करवा रही है और ये सही में थर्ड
क्लास है इसकी, और पिछले दो टाइम से मैं देख रही हूँ। लास्ट हमने सैटरडे भी ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने कुछ पकड़ा दिया था इसको, पढ़ उसने पढ़ दिया, तो हमें थोड़ा सा लगा कि ये कहीं से देख रही है, क्योंकि हमने केवल हल्का सा माँ पट्टी सी बांध के रखी थी। आज तो हमने कॉटन लगा दिया है, कहीं कॉटन लगा के वापस। कल हमने फिर इसका एक बार ऐसे ही मेरे पेरेंट्स बैठे हुए थे उसके सामने, उनके सामने एक न्यूज़पेपर उसको पकड़ाया, इसने सब अच्छे से पढ़ लिया, चाहे वो हेडलाइन हो या अंदर का टॉप पेज हो, इसने पढ़ लिया था। तो वो मेरे लिए एक मिरेकल जैसा था, क्योंकि मैंने नहीं समझा, सोचा ही भी नहीं था कि दो क्लासेस में इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। कोशिश करेंगे बाकी कुछ समय बाद ये बुक को फ्लिप करके उसकी पूरी किताब को याद कर लेंगे, स्टार्टिंग कर लेंगे, अभी तो एक साल बाकी है, नहीं पढ़ सकते पहले, कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लास आ जाएगा। बहुत बढ़िया लिपि का, गुड, वेरी गुड। अब दहली से आते हैं और हम जयपुर से नहीं जा पाते हैं, ये मैम दहली से आते हैं, इनको मैंने कमिट किया था कि मैम एक बार आप भेजिए, और यकीन वाली कि आपकी बेटी ऐसा कर पाएगी, अब तो यकीन है, और एक साल बाद जो मैंने कमिट किया है कि बुक को पेज नंबर से याद करना या जीके, ये एक बार पढ़ लेगी दोबारा इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका विश्वासन भी स्टार्ट हुआ है, जो कि एक मिरेकल जैसी चीज है, मैं भी नहीं कर सकता, अगर ये चमत्कार होता तो फिर आप और मैं भी कर पाते हैं। और अब तो जब पहले आपने डेमो देखा होता वो सोचते होंगे कि शायद कहीं से देखता होगा, पर अब तो आप बेटी को पूछ सकते हैं कि कहीं से देख पा रही है क्या। नहीं, हमने तो बहुत ब्लैक कपड़ा वगैरह सब लगा, और मैं इनको धन्यवाद करूंगा कि लास्ट टाइम इनका ओलंपियाड का एग्जाम था वो छोड़ करके क्लास लेने आए थे, बोला ये ज्यादा जरूरी है, ओलंपियाड तो हर साल होते रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू।